जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात हुई ना मेरी मलेशिया में तो वो उर्दू में थोड़े कमजोर हैं तो वो कहने लगे कि जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल का उन्होंने कहना था तो उनके मुंह से ना वही लफ्ज निकलने लगा जो एक दफा मीडिया पे निकला था वफात या कोई मौत का लफ्ज ना तो एकदम थोड़े से कंफ्यूज है मैंने कहा असल में आपको एक दफा इस पर पहले वो यानी एक धचका लग चुका है ना पता नहीं क्या लफ्ज उनकी जबान से निकला था मुर्दा का लफ्ज निकला था शायद हाँ मर गए आप वसल्लम इस तरह उनकी जबान से निकला था कि... कि... लफ्ज ना मुनासिब है तो दोबारा जब भी नबी सफात का तस्करा होता है ना वो ऐसा लगता है कंफ्यूज होता है वो लफ्ज दोबारा ना निकल जाए तो एक आदमी इस्लाम की बेपना खिदमत कर रहा है वो नबी से मोहब्बत की वजह से कर रहा है ना उसको इंडिया ने निकाल दिया अपने मुल्क से वो गुस्ताख हो सकता है इतनी बड़ी उसकी खिदमात नहीं देख रहे एक लफ्ज को पकड़ के बैठे हैं। गुस्ताख है गुस्ताख है गुस्ताख है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला है वो पूरी प्रॉपर्टी इंडिया ने कब्जा कर ली है डॉक्टर साहब की इंडिया में अपने मुल्क में जा नहीं सकते दर्जनों झूठे केसेस उनके ऊपर डाल दिए हैं तो भाई आपको तो सल्यूट करना चाहिए ऐसे आदमी को यार गैर मुस्लिमों को दीन की दावत में इतनी बड़ी कुर्बानी दी वो सारी मेहनतें एक तरफ और लफ्ज मरना वो जो जानकर भी नहीं निकाला और उर्दू में भी थोड़े से कमजोर है वैसे ऐसे कमजोर नहीं है लेकिन ये कि वो बॉम्बे की उर्दू है ना थोड़ी सी वो कोई बहुत हर आदमी यानी जो बॉम्बे में जो लोग फोन आते हैं ना उनका लबो लहजा और हमारे लबो लहजे में काफी फर्क है तो उसको पकड़ के बैठे हुए हैं और ये ज्यादातर वही लोग करेंगे जो अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं जो दीन की तरफ मंसूब हैं, तो इससे जो न्यूट्रल लोग हैं ना उनमें जो मैसेज जाता है वो मैसेज डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं जाएगा बल्कि वो उन लोगों के खिलाफ जाएगा जो उनपे फतवे लगा रहे हैं वो कहेंगे ये होते ही क्या है